स्टार्ट बोलना आप। कवि जी बताइए, आज के कार्यक्रम के आज इस केशव सृष्टि में आज एक आरोग्य का एक बहुत बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है। जैसे कि हम कह सकते हैं कि आरोग्य का कुंभ मेला है कि दुनिया के बहुत जाने माने नामचीन डॉक्टर यहाँ पे मौजूद है, बहुत सारे स्वास्थ्यकर्मी मौजूद है। जबकि हम जानते हैं कि होलिस्टिक हेल्थ में आज बहुत चीज़ें करने को मिल रही है, हमें सीखने को मिल रही है। कोविड काल के बाद में आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, इसका महत्व हमें सबको मालूम पड़ गया। तो पूरी दुनिया ने योग अपनाया है, नेचुरोपैथी अपनाया है, आयुर्वेद अपनाया है। तो हमारे देश में जो प्राचीन परंपरा है, हमारे जो महान वैज्ञानिक संशोधक है, जैसे आचार्य सुश्रुत थे, आचार्य चरक थे, उन्होंने बहुत बढ़िया खोज की थी। और आज के ज़माने में हम वेस्टर्न मेडिसिन के जाल में इतने बुरी तरह से फंस गए हैं कि हम उसे बाहर नहीं आ रहे। एक्यूट डिजीज़ के लिए वेस्टर्न मेडिसिन ज़रूरी है, वेस्टर्न मेडिसिन और आयुर्वेद और होलिस्टिक मेडिसिन, इंटीग्रेटेड मेडिसिन हम कह सकते हैं उनको, इनका जो मिलाप करना है, इनको पैरेलल कॉमन लेके हमें आगे चलना है। मैं किसी भी पैथी को बुरा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो हमारी प्राचीन परंपरा है, प्राचीन पैथी है, उसको बढ़ावा देना बहुत ही ज़रूरी है। इसीलिए ये आज ऊर्जा फाउंडेशन एवं आरोग्य भारती के तरफ से 2 दिन का ये महासम्मेलन आयोजित किया गया है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन होलिस्टिक हेल्थ एंड आरोग्य एक्सपो। इस कॉन्फ्रेंस का सबसे बढ़िया खासियत हम लोग ने ये किया है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। इस आरोग्य एक्सपो में कम से कम 5 से 10 हज़ार लोग हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो जो भी गरीब लोग हैं, जो आदिवासी भाग में रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, उनके पास ये बड़ा बड़ा ट्रीटमेंट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते, जैसे पंचकर्म चिकित्सा है, बहुत सारी अलग अलग चिकित्सा है, तो ये सेवा हम उनको आज फ्री देने जा रहे हैं। आने वाले 2 दिन में यहाँ पे 20 अलग अलग प्रकार की चिकित्साएं हम लोग देने वाले हैं। हमारे जाने माने थेरेपिस्ट यहाँ पे है, सब लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, जैसे एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, सुजोग थेरेपी है, पंचकर्म में नाड़ी स्वेद है, मेडिटेशन है, योग है, प्राणायाम है, पिंडस वेद है, अभ्यंग है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, कायरोथेरेपी है, डाइट एंड न्यूट्रिशन है, रसोई आहार है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और विरुद्ध आहार सबसे बढ़िया वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, किसके साथ क्या नहीं खाना है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे बताने वाले हैं। और इसका विशेष महत्व ये है कि CPR, कार्डियोपल्मोनरी रेस्पिरेटरी, जो सबको जानना ज़रूरी होता है, इवन हर किसी इंसान को हर घर में ये मालूम होना चाहिए कि अगर हार्ट पेन होता है, चेस्ट पेन होता है, हार्ट अटैक आ जाता है, तो वो वहाँ पे क्या करना चाहिए, ये सारी चीज़ें, इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट, ये सिखाया जाएगा ताकि लोग यहाँ पर आके सीखे और अपनी मुश्किल में जब भी ज़रूरत पड़े, जैसे हम फर्स्ट एड बॉक्स यूज़ करते हैं, वैसे ही कुछ चीज़ें हम लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि इस माध्यम से आने वाले समय में, जैसे हम भारत भाग्य विधाता कहते हैं, फिर से एक बार हमारा ये सुफलाम और सुजलाम हो जाएगा। इसी आशा के साथ मैं आप सभी को यहाँ पे धन्यवाद देता हूँ। देखा होगा आरोग्य एक्सपो लगा हुआ है, वहाँ पे अभी थोड़ी देर में प्रारंभ हो जाएगा, बहुत सारे लोग आने चालू हो जाएंगे। वहाँ पे 20 अलग अलग हम लोगों ने फ्री डेमो क्लिनिक लगाया है, तो वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, हर एक क्लिनिक का हमने वहाँ पे थेरेपिस्ट रखे है, तो लोगों के लिए वो फ्री है, हम कोई भी चार्जेस नहीं कर रहे। जैसे मैंने कहा कि आदिवासी पाड़ा है, झोपड़पट्टी है, वहाँ से जितने भी लोग आ रहे हैं, और विशेष करके हम ये पूरा आरोग्य एक्सपो महिलाओं के लिए सम्मान में देना चाहते हैं, क्योंकि अभी महिला दिन हुआ है, तो उनके सम्मान के लिए हम कुछ करना चाहते हैं। तो ऊर्जा फाउंडेशन की तरफ से और आरोग्य भारती की तरफ से हमने ये पूरा आरोग्य एक्सपो वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है कि वहाँ पर जाइए, आपको जो तकलीफ है आप वहाँ पर नाड़ी परीक्षा कीजिए, हेल्थ चेकअप कीजिए, कंसल्टेशन कीजिए और ट्रीटमेंट भी लीजिए, उसका कोई भी चार्ज आपको देने की ज़रूरत नहीं। का बोल रहा था G20 के अंदर सिविल 20, जो केवल भारत से रिलेटेड, भारत का एक उसी का एक पैरेलल प्लेटफॉर्म है, तो सिविल 20 उसमें अलग अलग NGO काम करती है, जैसे शिक्षा है, आरोग्य है, वुमेन एम्पावरमेंट है,
पर्यावरण है, बहुत सारी अलग अलग चीजें, बहुत सारी एनजीओ काम करती है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि ऊर्जा फाउंडेशन पिछले कई सालों से अलग क्षेत्रों में काम कर रहा है, और ये सिविल 20 हमें एक बहुत बड़ा और अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है ताकि हम इसको और ज्यादा उजागर कर सके, देश के कोने कोने में ले जा सके। और मुझे ये दायित्व मिला है, उस दायित्व का मैं अच्छी इसमें निर्वहन करना चाहूंगा, और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे इतने बड़ी प्लेटफॉर्म में जुड़ने का मौका मुझे मिला है। ये प्रोग्राम की क्या मतलब, आज किस वजह से ये प्रोग्राम रखा गया था, और क्या आप लोगों का पैगाम देना चाहते हैं? समाज को ये पैगाम देना है कि अभी कोरोना काल में कितने लोग पैनिक हुए, तो स्वास्थ्य की दृष्टि से ये कार्यक्रम रखा गया है कि जन जन तक ये मैसेज जाए कि अपने स्वास्थ्य के प्रति वो जागरूक हैं। जैसे हमने, आपने सुना भी होगा, जंक फूड का नाम लिया, चाहे कोरोना लोगों को कितना पैनिक बना दिया था, बहुत डरे हुए, बहुत जन हानि हुई, धन हानि हुई हर तरह से। अब हम थोड़े संभल जाएं और अपने स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दें। इसका मेन रीज़न यही है कि हम अपने स्वास्थ्य को लोगों को जागरूक करें अपने स्वास्थ्य के प्रति, इसी रीज़न से ये कार्यक्रम रखा गया है। सो आज का कार्यक्रम बहुत ही बेहतरीन कार्यक्रमों से गिना जाएगा। इसमें जितने भी लोग हो सकते हैं, मैं तो बोलता हूँ जिस तरह से हम बोलते हैं कि जमी पे सितारों का मिलन हो रहा है, तो ये जो होलिस्टिक जो व्यवस्था है चिकित्सा की, उसको हमारे डॉक्टर विजय जंगम स्वामी जी ने और ऊर्जा फाउंडेशन, उसके साथ आरोग्य भारती, आयुष मंत्रालय, सबका एक पूरी तरह से समन्वय है जो लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाएगा। दो दिन जो आने वाला समय है, इसमें आपको एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा, उसके साथ साथ होम्योपैथी, तो और बहुत सारे मॉडर्न साइंस के डॉक्टर्स आए हुए हैं, बहुत सारे सर्जन्स आए हुए हैं जो चाहते हैं कि इस चिकित्सा विधि को इतना बढ़ाया जाए कि जो हम बहुत सारी दवाइयों के पीछे पड़ते हैं, जहाँ तक हो उनको कम किया जा सके, और लोगों का जो स्वास्थ्य है वो नेचुरली किस तरह से बिल्ड किया जा सके, उसमें योग भी बहुत महत्वपूर्ण अंग निभाने वाला है। उसमें हम देख रहे हैं बहुत सारे प्राणायाम विशेषज्ञ, सुबह सुबह यहाँ का योगा का सेशन बहुत ही शानदार रहा, और ये जो केसेस हिस्ट्री जो जहाँ पे हम आज बैठे हैं वो सचमुच एक नेचर का ही एक अंग है, जहाँ पे आने के बाद लोगों के दिमाग में पूरी तरह से योगिक व्यवस्था बैठती है। जिस तरह से हम बात करते हैं योग की, प्राणायाम की और ध्यान क्रिया की, तो जो यहाँ के इतने सारे विशेषज्ञ आज एकत्रित हैं, उनसे पब्लिक को, नॉर्मल पब्लिक को बहुत सारा लाभ होगा। मैं डॉक्टर संतोष पांडे, मैं आरोग्य एक्सपो का चेयरमैन हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि सुबह से ही बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोगों को यहाँ पे स्वास्थ्य लाभ होगा, बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें सिखाई जा सकेंगे जिससे उनको आने वाले जीवन में, दैनिक जीवन में उनको लाभ मिले, यही हमारी कोशिश है। और इस प्रक्रिया को जहाँ तक है बहुत सारा आगे बढ़ाया जाएगा, और आप लोगों का सहयोग इसमें बहुत काम करेगा। थैंक यू, थैंक यू। मैं डॉक्टर संतोष पांडे। हम सब जानते हैं कि अभी कोविड होने के बाद में परिस्थिति क्या है। आप रोज आप देखते हो, पेपर में पढ़ते हो और सोशल मीडिया में देखते हो कि कोई ना कोई आदमी चलते चलते, बात करते करते, घूमते घूमते, जिम में काम करते करते, जिम में एक्सरसाइज करते करते मर रहा है। हार्ट अटैक के जो प्रमाण है बहुत बढ़ गए हैं। ये जो लाइफस्टाइल है हमारा, ये अभी बदल गया है, और इसका ही कारण है कि हार्ट अटैक और ब्रेन स्ट्रोक्स के कारण बहुत बढ़ रहे हैं। तो लाइफस्टाइल सुधारने के लिए डॉक्टरों की लाइफस्टाइल, और उसके बाद में जो सामान्य लोगों की लाइफस्टाइल हमको सुधारना है, इसके लिए ये होलिस्टिक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल होलिस्टिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन ऊर्जा फाउंडेशन, आरोग्य भारती, आयुष संचालनालय के माध्यम से हुआ है, और इसका पूरा श्रेय जो जाता है डॉक्टर विजय जंगम स्वामी, जो कि ऊर्जा फाउंडेशन के प्रमुख है, अध्यक्ष है। ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हमको लोगों का स्वास्थ्य, जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे पास में है, उससे कैसे अच्छा रहे, इसके बारे में दो दिन का चिंतन मंथन यहाँ पे होने वाला है। सर, आपका नाम?
डॉक्टर वैभव देवगिरकर ऊर्जा फाउंडेशन का उपाध्यक्ष हूँ और आरोग्य भारती मुंबई प्रांत का भी उपाध्यक्ष हूँ। थैंक यू। डॉक्टर शिल्पा देसाई एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट और हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हूँ और ऊर्जा फाउंडेशन और आरोग्य भारती के साथ मैं भी एज अ साइंटिस्ट इस मुहिम में जुड़ी हूँ, मेडिसिन फ्री लाइफ फॉर एवरीबडी। सो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो साइंस ही है, ये कोई मेडिकल साइंस से कोई अलग नहीं है, यही चीज़ हम लोगों को बताना चाहते हैं। सो डॉक्टर विजय जगनाम जी और जितनी भी हमारी टीम है, हम यहाँ पे आयुर्वेदा के साथ है और साइंस को बढ़ावा देना चाहते हैं, यहाँ पे रिसर्च को बढ़ावा देना चाहते हैं। यहाँ पे हम चाहते हैं कि हर चीज़ एविडेंस बेस्ड हो। आयुर्वेदा आज वर्ल्ड में इंडिया के पास है, ये हमारी धरोहर है और मेडिसिन फ्री जीना ये हमारे बच्चों का हक भी है। सो हमारी आने वाली जनरेशन को हम ऐसी ज़िंदगी देना चाहते हैं कि वो अपनी अपनी ज़िंदगी का पूरा पूरा जो पिलर है वो अपने ग्रोथ में लगाए और मेडिसिन फ्री लाइफ जिए। ये जो हमने COVID-19 में देखा तो हमें क्या, हमारी जो जनरेशन है उनका फेथ उठ गया, उनको डर लग गया कि ये कैसा है, मतलब व्हाट विल हेल्प अस नाउ। सो प्रिवेंशन ही पहला डोर है, इस चीज़ को अब हमें समझना है कि अगर प्रिवेंशन होगा तो क्योर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन एवरीथिंग। और ये जो बुक हमने डिकोड इम्यूनिटी यहाँ पे लॉन्च की है ये, और उसमें मैंने कोडॉक्सी लिखा है। सो डिकोड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि इम्यूनिटी के ऊपर कितना बड़ा COVID-19 में सबने घर पे काढ़े बनाए, सब बहुत सारी चीज़ें की, लेकिन इम्यूनिटी तुम्हारी डेली प्रैक्टिस के ऊपर है कि हम डेली उसका हेल्थ का प्रैक्टिस कैसे करते हैं। सो इसका इसके अंदर एक चार्ट भी दिया गया है जिससे आप 30 डेज चैलेंज बोलते हैं हम, और पूरा अगर आपने वो लाइफस्टाइल फॉलो किया तो आपको 30 दिन में पता चल जाएगा कि आप कहाँ पे वीक हो रहे हो और कहाँ पे आपको स्ट्रांग होना है। सो आप सबसे ज़्यादा आप ही अपने डॉक्टर हो, आपको ही पता है कि मेरे साथ अंदर क्या हो रहा है, राइट? हम तो एक्सटर्नल है, हम आपको बाहर से बताते हैं, आप हमको जो इन्फॉर्मेशन दोगे उसके ऊपर हम आपको सलाह देते हैं, लेकिन अगर आप ही आपकी इन्फॉर्मेशन स्ट्रांग लो तो। सो ये एक डिकोड इम्यूनिटी ऐसी बुक है कि जो आपका स्वास्थ्य आपके लिए बनाएगी। सो मैं ऊर्जा फाउंडेशन का और आरोग्य भारती का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने लोगों के लिए इतना बड़ा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया है और इसका लाभ सारे यंग जनरेशन को उठाना चाहिए और डॉक्टर्स को उठाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। Myself Priya Agarwal. Here we have kept an International Conference on Holistic Health and Arogya Expo. This is in Mumbai, this is happening in the first time. And Arogya Expo, ये क्या है, ये हम क्यों कर रहे हैं, ये हम general public के लिए कर रहे हैं ताकि awareness रहे अपने डेली लाइफ के लिए कि हम डेली लाइफ में क्या क्या जो हम करते हैं, हमारा सर दर्द होता है, हम क्या करते हैं, सेरेडॉन लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं। यहाँ पे हम जनरल पब्लिक को अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कि आप सेरेडॉन मत लीजिए, आयुर्वेदा का प्रमोट कीजिए। तो इसके लिए हमने थोड़ा सेशन रखा हुआ है जहाँ पे डॉक्टर्स आए हैं, इंटरनेशनल डेलीगेट्स हैं, अपने इंडियन डेलीगेट्स हैं। यहाँ पे काफ़ी डिटेल्स में आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए हमने यहाँ पे एक सेमिनार रखा हुआ है। थैंक यू।